आज के इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था, उसके धर्म और उसके समय के पदाधिकारियों तथा फाहियान की यात्रा के विवरण का अध्ययन करेंगे। चंद्रगुप्त के शासन की जब व्यवस्था हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विजेता ही नहीं था बल्कि एक सम्राट, कुशल और योग्य सम्राट भी था। गुप्त प्रशासन के निर्माण का श्रेय चंद्रगुप्त को ही मिलता है। हम देखते हैं कि उसके 40 साल के शासन काल में उसके राज्य में शांति, सुव्यवस्था और समृद्धि में बढ़ोतरी का ही माहौल रहता है। उसने अपने कार्यकाल में अनेक अनुभवी मंत्रियों की भी सेवाएं प्राप्त की थी। उसका जो प्रधान सचिव था वो वीरसेन था। वीरसेन को उसका संधि विग्राहक सचिव कहते हैं और वीरसेन जहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वहीं पर वीरसेन शैव धर्म के अनुयायी थे। और उदयगिरि का जो अभिलेख है जो समुद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है वो वीरसेन द्वारा ही स्थापित कराया गया था। इसी प्रकार से मालवा क्षेत्र का जो राज्यपाल था वो सनकानिक महाराज था जिसने कि उदयगिरि के अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को पदानुध्यात भी कहा है। इसी प्रकार से सांची के अभिलेख में आर्म कार्दो नामक उसका प्रधान सेनापति का नाम पाया जाता है जिसे कि अनेक युद्धों का विजेता या अनेक युद्धों द्वारा यश प्राप्त करने वाला बताया गया है। करम दंडा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि शिखर स्वामी नामक उसका एक मंत्री था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्र गोविंद गुप्त तीरभुक्त नामक प्रदेश का राज्यपाल था। बसाण के अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि उसके समय में अनेक निपुण पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यरत थे। लेख और मुद्राओं के अनुसार जब हमने अध्ययन किया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कुछ पदाधिकारियों के नाम पाए गए जिसमें कि सबसे पहला जो पदाधिकारी था वो था उपरिक, और उपरिक का जो पद था ये राज्यपाल के पद के बराबर पाया गया। इसके बाद दूसरा जो पद पाया गया वो बलाधिकृत पाया गया, और बलाधिकृत जो पद है वो आज के सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो बलाधिकृत कहलाया। इसी प्रकार से युद्ध के सामान, सैनिक साज सज्जा के सामान की रखवाली करने वाला रण भंडागाराधिकृत कहलाता था। उसके समय में जो दंडपासिक नामक एक पद होता था वो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। महादंड नायक का जो पद होता था वो मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर होता था। इसी प्रकार से विनय स्थिति स्थापक नामक जो पद होता था ये पदाधिकारी कानून और प्रशासन की व्यवस्था का संचालन करते थे। घटास पद नामक जो पद होता था वो अश्वसेना का प्रधान नायक कहलाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में महाप्रतिहार नामक जो पद पाया गया वो मुख्य द्वारपाल या मुख्य द्वारक पद कहलाता था। चीनी यात्री फाहियान के अभिलेख में हम देखते हैं कि जब वो भारत आया था तो उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन की अच्छे शब्दों में प्रशंसा की है और बताया है कि उसके समय में प्रजा सुखी और समृद्धशाली थी, लोगों में पारस्परिक सौहार्द का माहौल रहता था, न्यायाधीश को न्यायालय में जाना पड़ता था और वहां से वो न्याय देता था, राजा बिना दंड के शासन करता था। तो इस प्रकार से ये देखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल उत्कृष्ट कोटि का था। ये भी पाया गया है कि उसके शासन काल में अपराध कम होते थे, मृत्युदंड की सजा का प्राविधान नहीं था, राजद्रोह पाए जाने पर अपराधी का दहिना हाथ
काट लिया जाता था। सड़क पर आवागमन आदि में पूरा सुरक्षित माहौल रहता था और राज्य का भाग जो कर का भाग होता था वो सड़क से प्राप्त होता था। हम देखते हैं कि फाहियान ने यह भी बताया है कि वो एक विदेशी यात्री था, लेकिन इसके बाद भी उसको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा के दौरान कोई मतलब कष्ट या कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। महाकवि कालिदास ने भी अपने साहित्य में लिखा है कि जिस समय यह राजा शासन करता था उस समय मदिरा पी करके या मद से ग्रसित सुंदरियां अपने वस्त्रों के साथ अगर सड़क पर भी पड़ी रहती थी तो उनको वायु भी स्पर्श नहीं कर पाता था। फिर ऐसी स्थिति में कौन सा चोर या कौन सा ऐसा जो चोरी करने वाला व्यक्ति था जो उनके आभूषण को चुराने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से कालिदास और फाहियान की यात्रा से हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रजा पूरी तरह से सुखी और सुरक्षित थी। अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय का धर्म देखते हैं तो हम पाते हैं कि गुप्त शासक अधिकतर या ज्यादातर मतलब जो संख्या थी वो शुद्ध वैष्णव की थी। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समय में परम भागवत की उपाधि धारण की थी। महरौली के स्तंभ में लिखा है कि विष्णुपद पर्वत पर उसने विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त शासक जहां पर वैष्णव थे वहीं पर उनके द्वारा अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु की नीति अपनाई गई थी। उनके द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, किसी अन्य धर्म के धर्मावलंबी के साथ भी उतना ही सपोर्ट होता था और उन्हें उनके धर्म के अनुसार दान दिया जाता था। जैसे कि वैष्णव शासक होने के बाद भी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रधान सचिव था वीरसेन था और वो शैव धर्म का उपासक था, जिसने कि भगवान शिव की पूजा के लिए उदयागिर पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सेनापति आर्म कार्दव था वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सांची के स्तूप में हम देखते हैं तो उसने सांची के महाविहार के आर्य संघ को 25 दीनारे और ईश्वर वासक नामक एक ग्राम दान में दिया था। वह प्रतिदिन 5 भिक्षुओं को भोजन कराता था और उन्हीं की आय से रत्न गृह में उस समय दीपक जलाया जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं मथुरा के अभिलेख में अगर हम देखते हैं तो वहां पर आर्योदिताचार्य नामक एक शैव धर्म के आचार्य का उल्लेख मिलता है, जिसने कि अपने पुण्य में बढ़ोतरी करने के लिए उस समय 2 शिवलिंगों की स्थापना कराई थी। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने शासनकाल में सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया गया था। हम देखते हैं कि धर्म के साथ अच्छे राज्य व्यवस्था के संचालन के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय विद्या का भी काफी प्रेमी था। जहां पर वो युद्ध में निपुण था वहीं पर उसके कार्यकाल में या उसके शासनकाल में विद्वानों की भी सम्मान होता था और विद्वानों को उसके दरबार में रखा गया था। स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विद्वान था और विद्वान पुरुषों का आश्रयदाता था। उसके समय में पाटलपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। हम उसकी कुछ अनुसूतियों से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्वानों की एक मंडली उसके राज्यसभा उज्जैन में निवास करती थी, जिसे कि नवरत्न बोलते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो हमें नवरत्न दिखाई पड़ते हैं वो नवरत्न कौन कौन से थे? तो जो सबसे पहले नवरत्न थे वो थे कालिदास, और कालिदास को इन नवरत्नों का अग्रणी माना गया है। अर्थात इन ये सबसे पहले नवरत्नों के में इनको सबसे पहले शीर्ष पर रखा गया है।
कालीदास के बाद जो अगले नवरत्न थे वो थे धन्वंतर। इसके बाद जो था वो था छपरक, छपरक के बाद थे अमर सिंह। कालिदास के जो पांचवे थे नवरत्न उनको कहते थे शंख, शंख के बाद थे बेताल भट्ट। फिर थे बर रुचि, घट कर्पण, और इसके अलावा जो सबसे लास्ट के वो थे विद्वान थे वो थे बाराह मिहिर। तो इन नौ रत्नों से चंद्रगुप्त द्वितीय का राज दरबार हमेशा सुशोभित रहा। हम देखते हैं कि गुप्त काल के इन नौ रत्नों में अधिकांश जो थे अनुसूतियों के अनुसार, इतिहास में तो बहुत इनका कोई ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य जो नहीं मिलता है जिस पर ये कह दें कि हाँ 100% ये थे, लेकिन जो अनुसूतियां विभिन्न साहित्यों में पाया जाता है वो यही पाया जाता है कि ये नौ रत्न गुप्त काल के समकालीन थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय का जो छंद विग्रहक मंत्री वीरसेन था वो व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि शब्दों का काफी प्रकांड विद्वान था। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में काफी विद्वान पुरुष भी रहे हैं। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में इस बात का उल्लेख किया है कि उज्जैन में कवियों की परीक्षा लेने के लिए विद्वानों की एक परिषद थी। इस परिषद ने कालिदास, भरतमेठ, भारवि, अमर और हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त आदि कवियों की परीक्षा को भी लिया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त से जो तात्पर्य है या चंद्रगुप्त जो बताया गया है वो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य स्वयं थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय महान विजेता के साथ कुशल शासक, कूटनीतिक विद्वान और विद्या के लिए एक संरक्षक की भूमिका में थे। स्वयं चंद्रगुप्त द्वितीय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की बहुमुखी विकास या बहुमुखी प्रगति हुई थी। इनके साम्राज्य को जिसको कि इनके पिता समुद्रगुप्त ने बनाया था या समुद्रगुप्त ने निर्मित किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने समय में समुद्रगुप्त के राज्य को संगठित, सुव्यवस्थित और सुशासित किया था और इसके साथ उसे उन्नत के शिखर पर पहुंचाया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में गुप्त काल का जो शासन था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण स्वर्ण युग का दावेदार बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के इतिहास में सबसे महानतम राजा थे। कालिदास द्वारा जो लिखा गया है उसमें एक पंक्ति में लिखा गया है कि भले ही पृथ्वी पर सहस्त्र राजा रहे हों लेकिन पृथ्वी इसी राजा के कारण राजबली थी, अर्थात इस पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण जानी जाती है। जैसे कि नक्षत्र, तारा और ग्रह होने पर ही रात्र केवल चंद्रमा के चांदनी से सुशोभित होती है, वैसे ये पृथ्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण ही सुशोभित होती रही है। तो विद्वानों के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इतना बताने पर यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय निश्चित रूप से एक महान शासक और महान विद्वान थे और विद्वानों का आदर करने वाले राजा थे। इनके समय में सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार दिए गए थे। फिलहाल इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो चंद्रगुप्त के बारे में उनके कुछ सिक्के भी बताते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सबसे पहला सिक्का है
वो हम पाते हैं तो वो है धनुर्धारी। धनुर्धारी प्रकार के जो सिक्के पाए गए हैं, इन सिक्कों में सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं उसमें राजा की मूर्ति है और गरुण ध्वज बने हुए हैं तथा इस पर देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। सिक्के के पिछले भाग पर लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई गई हैं और उनके साथ राजा की उपाधि श्री विक्रम उत्कीर्ण मिलती है। दूसरा जो प्रकार का सिक्का है वो छत्रधारी सिक्का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के छत्रधारी सिक्के दो प्रकार से मिले हैं और इसमें मुख्य भाग पर राजा आहुत डालते हुए खड़ा है। वह अपना बाएं हाथ तलवार की मुठिया पर रखे है। राजा के पीछे एक बौना नौकर उसके ऊपर छतरी या छत्र ताने हुए खड़ा है। इस प्रकार में दो प्रकार के लेख भी मिलते हैं। पहले लेख में महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्ता तथा दूसरे प्रकार में छित विजित सुपारते दिव्यजय विक्रमादित्य अंकित है। दोनों सिक्कों के पृष्ठ भाग पर हम देखते हैं तो कमल पर खड़ी हुई लक्ष्मी का चित्र दिखाई पड़ता है और उस जगह पर विक्रमादित्य उत्कीर्ण मिलता है। तीसरा जो सिक्का है वो पर्यंक प्रकार का है। जो तीसरा सिक्का मिला है ये सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं, लेकिन इन सिक्के के पहले भाग पर या मुख्य भाग पर राजा वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए खड़ा है। उसके बाएं हाथ में एक कमल है और दाहिना हाथ जो है उसका एक पलंग पर टिका है। मुद्रा पर जो लेख लिखा है वो लिखा है देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस विक्रमादित्यस तथा पलंग के नीचे एक आकृति बनी है। इस प्रकार के सिक्कों के कुछ मुख्य भाग पर उसकी उपाधि परम भागवत का भी जिक्र पाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सिक्के भी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए थे और इनके पृष्ठ भाग पर या पीछे के भाग पर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र अंकित है और उस पर श्री विक्रम नामक एक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो चौथा सिक्का पाया गया है वो सिंह निहंता सिक्का है। इस प्रकार के सिक्के जो पाए गए उसमें पहले भाग पर सिंह को धनुष बाण और कृपाण से मारते हुए राजा की आकृति उत्कीर्ण मिलती है। पृष्ठ भाग पर देवी दुर्गा की आकृति विभिन्न मुद्राओं में खुदी है। इस प्रकार के सिक्के कई वर्ग के हैं या कई बनावट के पाए गए हैं और इन पर विभिन्न प्रकार के लेख उत्कीर्ण हैं। किसी में नरेंद्र चंद्र पृथ्वी देव जयद जेव भूवि सिंह विक्रमा अंकित है। इसी प्रकार से किसी में देव श्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अथवा महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित हैं। इन प्रकार के जो सिक्के हैं वो भारत के गुजरात और काठियावाड़ विजय के स्मृति में बनवाए गए थे। जो अगला इनका सिक्का पाया गया है वो है अश्वारोही। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पांचवा सिक्का पाया गया है वो अश्वारोही प्रकार का है। इसके मुख्य भाग पर घोड़े पर सवार राजा की आकृति है और उस पर परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त अंकित है। इन प्रकार के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर बैठी हुई
देवी की आकृति के साथ अजीत विक्रमः अंकित है। तो हम देखते हैं कि इन प्रकार के जो ये पांचों प्रकार के सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं, और ये पांचों सिक्के जो हैं वो स्वर्ण के सिक्के हैं, अर्थात ये सोने के सिक्के बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी और तांबे के भी सिक्के पाए गए हैं। नॉर्मल रूप से हम ये मानते हैं कि जो चांदी का सिक्का है गुप्त शासकों में सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर आप चलते हैं तो पीछे के वीडियो में अगर आप जाएंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम को जहां पर मैंने पढ़ाया है वहां पर मैंने ये बताया है कि अब चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हो चुका है। अगर चंद्रगुप्त प्रथम का एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है तो जो श्रेय हम ये देते थे कि गुप्त काल के शासकों में चांदी का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के मिलने के बाद आगे भविष्य में हमको अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी। फिर हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो चांदी का सिक्का पाया गया है इसके पृष्ठ मुख्य भाग पर या पहले भाग पर ब्रज स्थल तक राजा की आकृति है और पृष्ठ भाग पर गरुड़ की आकृति मिलती है। पृष्ठ भाग पर गरुड़ के आकृति के साथ साथ परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और दूसरे प्रकार के इसी प्रकार के सिक्के में श्री गुप्त कुलस महाराजाधिराज श्री गुप्त विक्रमांकाय ये शब्द अंकित पाया गया है। इसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त द्वितीय का तांबे का सिक्का मिलता है इसके मुख्य भाग पर श्री विक्रमः अंकित है और इसके पृष्ठ भाग पर गरुड़ के आकृति के साथ साथ श्री चंद्रगुप्त अथवा चंद्रगुप्त शब्द अंकित है। स्वर्ण सिक्कों को गुप्त काल में दिनार कहते थे और रजत और तांबे के सिक्कों को रूपक या रूपक कहा जाता था। तो इस प्रकार से हमको चंद्रगुप्त के शासनकाल में इन ऐसे सिक्के पाए गए हैं जिनका मैंने आपको वर्णन किया है। फिर हाल चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में या उनके इतिहास के बारे में बताते हुए जो हमको एक साहित्यिक स्रोत मिलता है वो होता है फाहियान का। फाहियान के बारे में आप जानते हो कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ये एक चीनी यात्री था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जो सबसे पहली या प्रमुख घटना मानी जाती है वो फाहियान की यात्रा मानी जाती है। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर रहा था और इस 15 साल की यात्रा पर उसने चंद्रगुप्त काल के भारत की सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन किया है। यद्यपि उसने अपने लेख में अपने यात्रा के समय के राजा का कोई जिक्र नहीं किया है लेकिन इस यात्रा अवधि को देखते हुए हम ये मानते हैं कि फाहियान ने जिस राजा का जिक्र किया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। फाहियान के यात्रा के पहले हम उसके एक सामान्य परिचय पर भी चलते हैं। फाहियान का जन्म चीन के बुयांग नामक स्थान पर हुआ था। बुयांग, फाहियान बुयांग नामक स्थान पर पैदा हुआ था और यहीं पर उसका बचपन बीता था। बचपन से ही भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा होने के कारण वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था और धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु बन गया था। बुद्ध धर्म के प्रति या बौद्ध धर्म के आस्था के कारण वो बुद्ध के स्मृति में भारत में प्रवेश करता है या भारत को आता है। फिर हाल जब वो भारत की यात्रा करता है तो सबसे पहले वो शान नगर पहुंचता है। उस समय का जो सबसे पहला नगर है वो शान पहुंचता है, संभवतः ये चीन का बॉर्डर रहता होगा। यहाँ पर हीनयान के उस समय लगभग 4000 भिक्षु निवास करते थे।
जब फाहियान अपनी यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले शानसान नगर पहुंचता है, जो कि हीनयान मतावलंबियों का एक केंद्र रहता है और यहाँ पर 4000 भिक्षु निवास करते हैं। यद्यपि यहाँ के साधारण लोग भारतीय धर्म को मानते हैं, इसलिए सबसे पहला जो इसकी यात्रा होती है वो शानसान नगर होती है। इसके बाद फाहियान कर शहर की तरफ जाता है, कर शहर, और कर शहर के बाद वो खोतान जाता है। जो फाहियान का अपनी यात्रा का वृतांत है उसमें ऐसा ही उल्लेख है, और खोतान के बाद कासगर, यहां से होते हुए वो भारत में प्रवेश करता है। खोतान के प्रसिद्ध जो बौद्ध विहार है वहां पर गोमती विहार में वो निवास करता है, और गोमती विहार में उस समय 10,000 महायान बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इसके बाद फाहियान सिंध नदी को पार करके उदयान, गांधार, तक्षशिला, पेशावर आदि स्थान का भ्रमण करता है। पेशावर में प्रवेश करने के बाद फाहियान कनिष्क द्वारा बनाए गए टावर, या जिसे चैत्य कहा गया है, उसको देखता है। यहाँ पर वो पाता है कि ये पेशावर का संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न प्रकार के स्तूपों, विहारों और स्मारकों से भरा हुआ है। पेशावर से निकल करके वो नगरहार पहुंचता है। नगरहार की राजधानी उस समय दंत पैगोडा होती है। फिर वहां की पहाड़ियों को पार करके वो अफगानिस्तान पहुंचता है। वहां पर हीनयान और महायान दोनों संप्रदाय के लगभग उसे 3000 भिक्षुओं का एक समूह मिलता है। अफगानिस्तान से पूर्व की ओर और फिर वो वापस आकर के सिंध नदी को पार करता है और पंजाब राज्य में प्रवेश करता है। पंजाब में वो काफी बौद्ध विहारों के दर्शन करने के बाद मध्य देश में, जिसे कि मिडिल किंगडम कहते हैं, वहां पर प्रवेश करता है और मध्य देश में उसके द्वारा व्यापक भ्रमण किया जाता है। फाहियान अपनी यात्रा वृतांत में मध्य देश का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है और ये बताता है कि यह ब्राह्मणों का देश है जो सुखी और समृद्धशाली है, और यहाँ पर लोगों ने अपने मकान का कोई पंजीकरण नहीं कराया है, ना ही न्यायालय में उसे दंडाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। यहाँ के निवासी जहाँ जाना चाहते जा सकते हैं, जहाँ रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं, सरकार की भूमि पर भी खेती कर सकते हैं, और उपज का एक भाग उन्हें राजा को देना पड़ता है। फाहियान के संस्करण में लिखा है कि उस समय का जो दंड विधान है वो मृदु है। राजा बिना मृत्युदंड के, बिना शारीरिक यात्राओं के, केवल भय को दिखाते हुए शासन करता है। अपराधियों पर आर्थिक दंड लगाए जाते हैं। बार बार राजद्रोह करने पर उनका दायां हाथ काटा जाता है। कहते इसके बाद भी अपराध बहुत कम होते हैं और चारों ही क्षेत्रों में शांति का वातावरण व्याप्त है। सैनिकों के बारे में या राज्य कर्मचारियों के बारे में वो लिखता है कि राज्य कर्मचारी वैतनिक हैं, इस देश के निवासी किसी जीवित प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, ना ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन करते हैं। वो कहता है कि यहाँ के लोग अब उस राजा के कार्यकाल में पक्षियों और पशुओं को भी नहीं मारते थे, पशुओं का वो कोई व्यापार नहीं करते थे, बूचड़ खाने और मदिरालय भी नहीं पाए गए। क्रय विक्रय में उस समय कोड़ियों का इस्तेमाल होता था। धनपति या कुलीन लोग विभिन्न प्रकार के बिहार बनवाते थे और बिहार में निवास करने वाले धर्म के मतावलंबियों को वो दान देते थे। लोग भिक्षुओं को भोजन, वस्त्र आदि देने के लिए चंद्रे एकत्रित
करते थे। फाहियान द्वारा ये भी बताया गया है कि मध्य देश में ब्राह्मण धर्म का ही बोलबाला था। तो इस प्रकार से फाहियान द्वारा अपनी यात्रा में भारत के बारे में काफी संस्मरण दिए गए हैं। फाहियान ने बौद्ध स्थानों की भी यात्रा किया था और उसने शंकिसा तथा श्रावस्ती में गया था। इसी प्रकार से श्रावस्ती में उसने जेतवन के विहार की प्रशंसा किया है। उसने बताया है कि यहाँ पर यात्रियों और भिक्षुओं को मुफ्त भोजन दिया जाता था। फाहियान के शासनकाल, फाहियान के यात्रा काल में जो कपिलवस्तु स्थान था उस समय तक उजड़ गया था। फाहियान ने इसके बाद लुम्बिनी, रामग्राम और वैशाली की भी यात्रा किया था। गंगा नदी को पार करके वो पाटलपुत्र में प्रवेश करता है। पाटलपुत्र में वो अशोक के राजमहल को देखता है। उसकी भव्यता से प्रभावित होकर के वो लिखता है कि यह निर्माण कार्य काफी उच्च स्तर पर किया गया था, लगता था कि यह निर्माण कार्य देवों द्वारा किया गया है। फाहियान ये भी बताता है कि हीनयान और महायानियों के मठ अलग अलग होते थे। इसी प्रकार से वो भारत के बारे में लिखता है कि भारत का जो देश है वो काफी सभ्य और सभी धर्मों का आदर करने वाला देश है। तो इस प्रकार से फाहियान द्वारा भारत के बारे में काफी कुछ लिखा गया है। फाहियान पाटलपुत्र चंपा से होते हुए ताम्रलिप्त नामक स्थान पर पहुंचता है और ताम्रलिप्त में वो 2 साल रहने के बाद वहां पर कई बौद्ध प्रतिमाओं को बनवाता है। इसके पश्चात वो ढाका और पूर्वी देशों द्वीपों से होता हुआ अपने देश चीन को वापस चला जाता है। तो हम देखते हैं कि फाहियान द्वारा अपने 15 साल की यात्रा में भारत के एक विशाल क्षेत्र का ये मतलब यात्रा की गई और विशाल क्षेत्र से उसने अपने संस्मरण को इकट्ठा करके अपनी पुस्तक में लिखा है। फिलहाल फाहियान के लेख में उसके द्वारा किसी सम्राट का उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन हम पाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म काफी चरमोत्कर्ष पर था। तो निश्चित रूप से उसके द्वारा ये जो बताया गया है कि उस समय ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से ही संबंधित रहा होगा। फिलहाल फाहियान द्वारा जो अपना संस्मरण लिखा गया है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में काफी हद तक सूचनाएं देता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो अध्ययन किया वो चंद्रगुप्त द्वितीय और फाहियान की यात्रा के बारे में अध्ययन किया है। जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो गुप्त काल के अगले शासक कुमारगुप्त प्रथम के बारे में आएगा। धन्यवाद।